आप सभी को मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे पिता तुल्य, मेरे भारतवासियों, आप सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी मान्यवर, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत। आपके आशीर्वाद से आज मुझे अपनी थोड़ी सी बात रखने का मौका दिया गया है। आज मुनिराज कश्यप जी की जयंती मनाई जा रही है, जो नीति प्रिय थे, स्वयं भी धर्म नीति के हिसाब से चलते थे। महर्षि कश्यप जी राग द्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान, प्रजापालक, निर्भीक, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए महाराज निषाद राज गुहा, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए महापुरुषों के परोपकार के रास्ते पे चलते हुए, न्याय के रास्ते पे चलते हुए हम लोग आज ये जयंती उत्सव मना रहे हैं, अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि चरण वंदन इस मंच से कर रहे हैं। आज जो तानाशाहियों की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये सिर्फ तानाशाहियों की सरकार नहीं है, ये खटमलों की सरकार है, जो जनता का हर तरीके से खून पीने का काम कर रही है। तुम कभी सिलेंडर के दाम बढ़ाकर खून पीते हो, और कभी गाड़ी का चलान काट कर खून पीते हो, कभी बेटियों को मारकर उनको लहूलुहान करके खून पीते हो, और आपको आज यहाँ से चैलेंज करते हैं डंके की चोट पर कि ये बेटियां उत्तर प्रदेश की शेरनिया, ये कोई खटमल नहीं है, ये शेरनिया है, ये पहाड़ के रख देंगी। बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार होते हैं, बेटियों को मार मार के फेंका जा रहा है, लेकिन तब आपको कानून व्यवस्था नहीं दिखती। आज आप चलान काट रहे हो, चलान तो आप पर भी कटेगा, क्योंकि बलात्कार होने के बाद भी 5-5 महीने बलात्कारियों को आपने पकड़ा नहीं है। बस यही मुझे मेरी बातें कहनी थी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।